हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है थर्सडे और ये हो रही है बिन मौसम बारिश। देखिए, आज बारिश, ऐसे भी हवामान आगाही वालों ने बोला था कि बारिश होने वाली है, तो मुझे क्लाइंट ने बताया था बारिश होने वाली है, पर मैंने माना नहीं था। मुझे लगा, अरे ठंडी की सीज़न में कहाँ बारिश दिसंबर महीने में, पर सच में हो रही है। सुबह से मैं देख रही हूँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ये देखिए, पूरा गीला हो गया है पानी की वजह से। और अभी मैं आपको बताऊं, इस तरह से पानी गिर रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़े से पत्ते तोड़ने, क्योंकि आज गुरुवार का वो स्थापित करेंगे पूजा का। तो मैं अपने यहाँ से ही पत्ते तोड़ लेती हूँ, मैं बाहर से रेडीमेड पत्ते नहीं लाती हूँ। तो 5 पत्ते लगेंगे, तो मैंने इस तरह से ऐसे पत्ते तोड़ रही हूँ। चलिए, कुछ ज़्यादा ही तोड़ लेते हैं, अच्छे दिखेंगे ऐसे लगाएंगे तो। तो हर एक के दो दो पत्ते मैं तोड़ रही हूँ। क्या हुआ था, करता नहीं कैमरे को। तो दो दो पत्ते मैं तोड़ रही हूँ। ये वाला प्लांट मुझे बहुत पसंद है, इसके भी पत्ते तोड़ रही हूँ, पर इसका, चलिए, इसके दो पत्ते तोड़ने में मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दिखने में सुंदर है। और ये है मेरा नींबू का झाड़, और ये है स्नेक प्लांट। गाइज, मैं गीली हो रही हूँ। तो चलिए, पत्ते तोड़ के बाद में पूजा के टाइम मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो ये फूल को भी मुझे अभी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फूलों की ज़रूरत है अभी भगवान की पूजा करने के लिए। पर ये प्लांट में ही बहुत अच्छा लगता है ना गाइस। तोड़ लिया। गाइज, इतना सुंदर लग रहा है ना, बारिश गिर रही है तो मैं आपको क्या बताऊं। देखिए ना, सारे झाड़ खिल गए हैं मेरे, और इसमें ये फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है, सुबह सुबह कितना सुंदर लग रहा है ये सब। तो गाइज, थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अभी पूजा की तैयारी करते हैं। और चलिए, मैं बताती हूँ आपको मैंने पूजा की तैयारी में क्या क्या किया है। जल्दी से पहले बाल बाल बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। चलिए, पहले काजल तो लगा लिया जाए, क्योंकि बिना काजल के मेरी आंखें तो एकदम से। और ये वाला काजल ना हिमालया का है। जी हाँ, हिमालया का है, और मुझे दूसरा भी लेना है। और इतनी गर्मी है ना गाइस, तो अभी काजल पूरा स्प्रेड हो जाएगा, और फिर मम्मी जरूर बोलेगी कि कितना काजल लगाई है। पर काजल इज माय फेवरेट पार्ट। ओके, पर्स में मैं नया सिंदूर लाई हूं, निकालना भूल गई हूं। ये खत्म होने को आया है गाइस, पर फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसे करके लगा लेती हूँ। पूरी तरह गया है। कितने दिन से चला रही थी, कल कल बराबर से लेके आई हूँ याद से, क्योंकि पार्लर पे था वो सिंदूर। अतिथि ने ऑनलाइन नायका से मंगाया था, और पिंक कलर का ड्रेस है। तो चलिए, पिंक कलर की लिपस्टिक लगा लेते हैं, उसके पहले थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी। फेस पे, हाथ पाँव पे क्रीम नहीं लगाया, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। पिंक कलर की लिपस्टिक, सारी लिपस्टिक मेरी पार्लर पे है गाइस, सारी की सारी तो मिल गई है मुझे।
घर पे मेरे पास सिर्फ 4 लिपस्टिक है। ओके, तो मैं रेडी हो गई हूँ और कल क्या हुआ गाइस, आपको एक बात बताऊं। कल ना मैंने ना गलती से एक वीडियो, जो परसों का मैंने वीडियो शूट किया था ना, जो अब आएगा आपको, अभी तक मैंने उसको पब्लिश नहीं किया है, तो उसका जो पहले का गुड मॉर्निंग वाला पार्ट था ना, वही मैंने उड़ा डाला। कल मेरे दूसरा एक वीडियो आया था पेटीएम के बारे में, तो वो वीडियो मुझे पहले डालना था, फिर ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स का, ऑनलाइन ब्यूटी क्लास का एक वीडियो भी शूट करके रखा है, तो वो भी डालना है, पर वो भी मैंने नहीं डाला, बना के रखा है। और वो वाला जो व्लॉग मैंने बनाया था ना, उसका फर्स्ट पार्ट ही मैंने उड़ा डाला है। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आगे का वीडियो कंटिन्यू करूंगी और उसी को अपलोड करूंगी। वैसे कोई इतना ये लग नहीं रहा था, पर वो अच्छा कुछ बोली थी, अब मुझे खुद को भी याद नहीं मैंने क्या बोला था आपसे, पर वो अच्छा कुछ था और वो डिलीट हो गया है। ऐसे सब गड़बड़ होते रहते हैं। तो चलिए गाइस, अब ऊपर से नीचे चलते हैं, ये मैं ऊपर के बेडरूम में हूँ, और नीचे चलते हैं, नीचे पूजा की तैयारी देखते हैं। आज है मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार, तो मैंने पूजा में क्या क्या किया है तैयारी, वो चल के मिलते हैं। ठीक है, चलो आपको भी लेके साथ चलती हूँ मेरे साथ में नीचे। आपको ना ये इसका आवाज आता होगा मंत्रोच्चार का, तो यहाँ पे मंदिर है स्वामी समर्थ का, तो उसके ये आवाज आ रहे हैं। और आज गुरुवार है, तो कैमरा क्यों नहीं फोकस कर रहा है, आज गुरुवार है तो वहां पे पूजा चल रही है। चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये मैंने तैयारी कर ली है पूजा की, और ये 5 फल, आज गुरुवार की पूजा में 5 फल लगते हैं, और इस तरह से कुंभ बनाया है मैंने। गाइस इसके ऊपर वैसा मुकुट वगैरह सब बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन मैं पहले से नहीं करती हूँ, तो अब भी नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। दिया भी रेडी करके रख दिया है मैंने, मेरे पास ना चांदी का दिया है, वो मुझे निकालने का है। आज मुझे याद था कि मैं निकाल लेती हूँ भगवान की पूजा के लिए, पर नहीं निकाला मैंने। तो चलिए गाइस, पूजा मांड देते हैं उधर ले जाके। और ये भगवान को चढ़ाने के लिए कच्चा दूध, इसमें थोड़ी सी अभी शक्कर पड़ेगी। तो ये कुछ इस तरह से मेरी पूजा स्टार्ट हो रही है गाइस। उपास से उपास का खाने के लिए मैंने दूध ले लिया है, सीताफल ले लिए हैं, और ये है सिंघाड़ा, जो मुझे बहुत मेरा फेवरेट है। तो ये देखिए, ये मेरा फेवरेट है, हालांकि इसमें कोई टेस्ट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ना इसमें खट्टा टेस्ट रहता है, ना मीठा टेस्ट रहता है, फीका सा टेस्ट रहता है, पर ये मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा आज उपास का दिन तो इससे निकल जाएगा। तो गाइस मेरी पूजा हो गई है, और ये बुक में स्टोरी रहती है, तो वो मैंने पढ़ ली है। और सच में जब हम पूजा करते हैं घर में, तो कितना अच्छा पावन वातावरण निर्माण होता है ना, और वो स्मेल वगैरह इतनी मस्त आती है, कपूर की, इसकी, उसकी, अगरबत्ती की वगैरह। आरती ले लिया है, आप लोग भी आरती ले लीजिए। चलिए करिश्मा देखो, किस किस कलर के फूल खिलते हैं गाइस, मस्त है ना, पर्पल कलर। कौन सा डांस करोगी आप बताओ मुझे? ओके, मंगलम, विषम मंगलम। गाइस इसका डांस प्रोग्राम है, आंखें बंद करो बेटा, आंखें बंद करो। वेरी गुड, तो ये ड्रेसअप करी है, आंख बंद करो। इतना प्यार से रेडी हुई है ना, आंख खोलो बेटा,
तो गाइस देखा आपने, छोटी बच्ची को मैंने कैसे तैयार किया। उसका एनुअल फंक्शन था आज कुछ, और उसे रेडी होना था, पर वो बच्ची ने ना मुझे करने नहीं दिया कुछ भी। मैं जैसे आईलाइनर लगाने जा रही थी, आंखें ऐसी 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 कर रही थी। तो गाइस इतनी छोटे बच्चे को तैयार करना बोला तो, और मैंने उसको लिपस्टिक लगाना, लिपस्टिक 1 मिनट में खा गई। फिर से मुझे उसको तैयार करने में टाइम लगा, क्योंकि मुझे उसको बार बार करना पड़ रहा था, बार बार करना पड़ रहा था। उसकी मम्मी, और उसने मुझे आंखों में काजल तो लगाने दिया ही नहीं। उसकी मम्मी बोलती है बिल्कुल मुझे भी लगाने ही नहीं देती, आप ट्राई करो। तो उसने मुझे करने दिया ही नहीं, और इतनी मज़ा आई मुझे उसको तैयार करते करते कि ना पूछो बात। तो गाइस अब तो हो गए हैं शाम, और रात हो गई है, अब मैं जा रही हूँ घर पे। और आज तो लक्ष्मी का व्रत है, तो उसके लिए भी, उनके लिए खाना बनाना है, और भोग लगाना है भगवान को। और पूरा आसपास ना सब दूर शादी का वातावरण है, बहुत ज़्यादा शादी, बाहर सब बस शादी 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 बस। और बहुत बहुत ज़्यादा, 8 तारीख को तो इतनी सारी शादी है कि ना पूछो बात, बहुत सारी शादियाँ चल है 8 तारीख को। तो गाइस लोग पगला रहे हैं कि हमें इसकी शादी में जाना है, एक एक दिन में उन लोग को दो दो तीन तीन जगह शादी में जाना है, तो पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे। पर गाइस मुझे शादियों में जाना बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी मैं कैमरे में नहीं देख रही थी, मैं अपने आप की तरफ देख रही थी, और यही मेरा पूरा गलती, इतने सारे वीडियो बनाई लेकिन फिर भी मैं कैमरे में देखना भूल ही जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ देवी के लिए खाने में बनाऊँ आज भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, और रोटी बनाऊँगी, और शायद कढ़ी भी बनाऊँ। रोटी नहीं बनाऊँगी मैं, चावल बनाऊँगी। ओके, भिंडी की सब्ज़ी और थोड़ा सा कढ़ी और चावल। और मैंने गुलाब जामुन लिया है भगवान के लिए भोग में चढ़ाने के लिए, तो गुलाब जामुन रखूँगी, और अगर दिल किया तो पापड़ तल लूँगी, या पापड़ सेक भी सकती हूँ, और सैलेड तो है ही। तो गाइस रात को इस तरह से लाइटिंग चमक रही है मेरे पार्लर पे। इस घर पहुंच के मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है ना, क्या खाना बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जी हाँ, तो मैं घर आ गई हूँ, और घर में घुसते ही ना इतना अच्छा स्मेल आ रहा था, मतलब जो मैंने फल फ्रूट चढ़ाए थे भगवान को और फूल चढ़ाए थे ना, तो उसका इतना अच्छा स्मेल आ रहा था कि ना पूछो बात, एकदम से पूरा महक रहा था घर में, कोई फ्रेग्रेंस की ज़रूरत ही नहीं थी, वो फल का और फूलों का ही इतना अच्छा स्मेल आ रहा, ऐसे लगता है कि हाँ भाई भगवान अपने घर पे आए हैं। आज सच में मुझे ऐसे लगा कि भगवान अपने घर पे आए हैं। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ पहले, और देखती हूँ फ्रिज में भिंडी पड़ी है, भिंडी बनाऊँगी मैं अभी, और गाढ़ा वाला कढ़ी बनाऊँगी, और चावल बनाऊँगी। तो फटाफट खाना बना लेती हूँ, भगवान को भी भूख लगी होगी। इस दिन भिंडी ली थी इतना शौक से, और आधी बनाई आधी रह गई है। तो गाइस पहले, सबसे पहले तो चावल चढ़ा देती हूँ। और गाइस मैंने अभी बाल खोले हैं ना घर आके, क्योंकि मैंने बांधा था जूड़ा, लेकिन मुझे फिर वो सर में दुखने लग जाता है। आप बोलोगे किचन में ये बाल खोल के क्या कर रही है, पर मुझे सर में दुखने लग जाता है, इसलिए तो सबसे पहले तो मैं चावल चढ़ा देती हूँ। बस थोड़ा सा चावल, सबसे पहले मैं चावल चढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं भिंडी को काट लेती हूँ अच्छे से। इतनी भिंडी तो इनफ हो जाएगी। तो गाइस पहले मैं भिंडी काट लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी। ओके, आप बताइए आपके यहाँ भिंडी किस तरह से काटते हैं? हम लोग कभी गोल, कभी खड़ी, कभी भरी हुई, ऐसे सब भिंडी
अलग अलग तरीके से काटते हैं, पर मैं अभी गोल भिंडी काट के बनाऊंगी। ओके, आजकल गाइस सब्जियां इतनी ताजी आ रही है ना, और सच में मूली और वो ककड़ी वगैरह बहुत आ रहा है और अच्छा लगता है एकदम से। तो गाइस गोल गोल भिंडी में काट चुकी हूँ, कढ़ाई गैस पे लगा दी है मैंने, और अब भिंडी बघार लेती हूँ और साथ में कढ़ी भी बघार लेती हूँ। जी हाँ, मैं कढ़ी बघार चुकी हूँ और एक साइड पे मेरी भिंडी भी बन रही है। उबाल आ रहा है गाइस, और बोलते हैं ना बासी कढ़ी में कभी उबाल नहीं आता है वो सही बोलते हैं, गरम हम जब ताजा बनाते हैं ना तभी उबाल आते हैं, बासी कढ़ी रहती है ना तो वो उबलती नहीं है। कढ़ी के साथ साथ भिंडी की सब्जी भी रेडी है मेरी। तो गाइस भगवान को भोग की थाली मैंने लगा दी है। जी हाँ, मिलाई थी गुलाब जामुन, मैंने कढ़ी बनाई है, भिंडी की सब्जी, चावल और रोटी। तो भगवान जी जल्दी जल्दी खा लीजिए। जी हाँ, भगवान जी कौन सा खाना खाते हैं, भगवान जी तो हमारे प्यार के भूखे हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और खाना वाना हो गया है, और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अगर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर अपलोड करने में मुझे बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़े ब्लॉग्स नहीं बनाना चाहती आजकल। और चलिए तो मिलते हैं कल नए वीडियो में, और बस जो भी पार्लर में होगा, मेरे घर में जो भी खाना वाना बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, और तब तक के लिए ओके। ये बोलना तो भूल ही गई मैं कि अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय, तब तक के लिए खाओ पियो और मज़े करो, बाय।